हमारा ये बुमरा स्टेशन जो है अभी आने वाले समय में बॉर्डर स्टेशन के रूप में डेवलप होने वाला है। बाकी पदाधिकारी है, हम यहाँ के खासदार है, अरे हमसे भी कुछ छोड़ो। पार्टी के नगर सेवक है, आज छोड़कर जा रहे हैं, कभी खुद के गिरबान में झांक कर देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले हैं। आपकी नगर सेवक का भी चुनाव करो, आप ग्राम पंचायत का भी चुनाव करो, सब चुनाव आपकी मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खासदार श्रीकांत शिंदे आज मुंब्रा में इनका आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रीकांत शिंदे के आगमन पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। श्रीकांत शिंदे ने मुंब्रा शहर के विकास के लिए 6 करोड़ रुपए की निधि दी है, जिसमें मुंब्रा शहर के अलग अलग गली मोहल्लों में करीब 16 जगहों पर काम किया जाएगा। साथ ही श्रीकांत शिंदे ने मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक्सेलेटर का जो काम अभी बाकी है उसे भी जल्द पूरा होने की बात कही है। इसके अलावा कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र भाट पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि दूसरे के कामों को अपना बताने वाले ज़रा ये सोचे कि उनके पार्टी के ही नगर सेवक उनकी पार्टी छोड़कर बाला साहब शिवसेना पार्टी में आखिर क्यों शामिल हो रहे हैं। साथ ही श्रीकांत शिंदे ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में मुंब्रा शहर के लिए वो और भी निधि देंगे। 6 करोड़ की लागत से होने वाले मुंब्रा शहर के गली मोहल्लों में काम श्रीकांत शिंदे ने उद्घाटन किया इसका, और इस मौके पर नरेश महंत के राजन कीने और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता भी मौजूद रही। वहीं कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र भाट पर निशाना साधते हुए श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ कहा है। आज इस कलवा मुंब्रा विधानसभा में कुल 29 करोड़ के काम का भूमि पूजन जो है आज शिवराज जो यहाँ पर हुई है, और इस मुंब्रा में मुझे लगता है 6 करोड़ का काम जो है फर्स्ट फेज में जो है 6 करोड़ के काम का जो है यहाँ पर भूमि पूजन जो है आज यहाँ पर हमने राजन गिरी जी के चैनल में यहाँ पर किया है। उस उपलक्ष्य में सभी का मैं बहुत बार यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, और राजन गिरी जी का यहाँ पर तहे दिल से उसी के साथ ये सभी नगर सेवक जो पैनल में है सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उन्होंने जो फॉलोअप किया उसके कारण इतना बड़ा निधि जो है यहाँ पर आप सभी को जो है यहाँ पर मिला है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है आज हम बंद कर रहा है, लाइट बंद कर रहा है, लाइट बंद कर रहा है। आज यहाँ पर आवाज बढ़ा दो आवाज, आज जब हमने यहाँ पर भूमि पूजन की तारीख निश्चित की सभी जाके कि ये काम जो है ये काम हमने किया है, ऐसा जो है लगाने का काम यहाँ पर किया है, मुझे लगता है कि मस्के जिले उनके शब्दों में उनको जो पूछना है वो पूछा है। मुझे ये प्रश्न करना है कि आज ये कार्यक्रम था तो आज ही आपको याद आया कि ये काम जो है ये काम हमने किया है, ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। थोड़ी देर के बाद किसी जी के पास भी है कि इसमें जो लिखा है कि ये काम जो है 16 फरवरी 2022 को मंजूर हुआ है, उसकी वर्क ऑर्डर उतरता है, वर्क ऑर्डर मिली है, और आज वर्क ऑर्डर मिलने के बाद जो है आज हमने यहाँ पर काम शुरू किया है। हम कोई गलत काम यहाँ पर करते नहीं है, दूसरे का काम जो है उसके ऊपर हमारा जाकर नाम नहीं लिखते है, ये हमने मंजूर करके लिया है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मुद्रा के लिए इतनी बड़ी राशि जो है यहाँ पर दिया है, नहीं तो बाकी लोगों से नहीं अपने अधिकार के बदले में लाओ गेलो नहीं, पर सवाल मांग लिया है कहीं वाला कि ना कहीं वाला कुटे
सकाळी गाव आता मुंब्रा स्टेशन इतका चांगला मुंब्रा स्टेशन होतोय, इतक्या चांगल्या कारमध्ये सुविधा मिळालेल्या आहेत, त्या बरोबर एस्केलेटर मिळालेलं आहे. अरे मुंब्रा स्टेशन रेल्वे आणि आमदारचं काय संबंध या ठिकाणी? अरे आज माझ्या मतदारसंघामधले सगळ्यात जास्त रेल्वे स्टेशन जे आहेत हे आपण या ठिकाणी चांगलं केलेले आहे, त्याचा विकास केलेला आहे. आणि अजून एक सगळ्यांना मी सभी को पुष्कर देना चाहूंगा कि हमारा ये मुंब्रा स्टेशन जो है अभी आने वाले समय में बॉर्डर स्टेशन के रूप में डेवलप होने वाला है. लिफ्ट है, एस्केलेटर है, उसका भी काम जो है वो जल्द से जल्द होगा. मुझे यकीन है कि वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी कहेंगे ये काम मैंने किया है. मतलब यहाँ पर मुंब्रा में करवा में कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसका श्रेय जो है हमारे मित्र जो है हमेशा वहां पर लेते रहते. मुझे सब जगह पर, अरे वो पांचवी और छठी लाइन केंद्र सरकार का काम है. ये पांचवी और छठी लाइन वर्षों से 20-25 सालों से काम अधूरा था, उसका काम पूरा करने का काम जो है गए 8 सालों में हमने किया. उसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में वहां पर हुआ और वहां पर भी दिखाए संकल्प खुद का नाम ब्रिज के नीचे, 5th और 6th लाइन के नीचे खुद का फोटो है. कितना मतलब नाम फोटो सब जगह पर. अरे दूसरे नगर सेवक है, बाकी पदाधिकारी है, हम यहाँ के खासदार है. अरे हमसे भी कुछ छोड़ो नगर से, हमको छोड़ो, हमको मत दो आम. लेकिन जो नगर सेवक आपके हैं, जो खुद के पार्टी के नगर सेवक है, आज छोड़कर जा रहे हैं. क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इसका कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले हैं? आज राष्ट्रवादी के 6-6 नगर सेवक जो है आपको छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप जो है इन नगर सेवकों के बंदूते पर चुनकर आए. आज यहाँ पर हमारे राजन किरी जी है, आज उनका पूरा पैनल है, आज उसी के साथ में और अलग अलग नगर सेवक इस मुंब्रा के है. कभी आया, कभी कभी इस नगर सेवकों ने हर घर जाकर उनका प्रचार किया, काम किया. कभी ये नगर सेवक पूरे नहीं गए, लेकिन आप कभी ये नगर सेवक पूरे नहीं थे, कभी ये नगर सेवक अकाउंट नहीं थे, लेकिन आज इस नगर सेवक, अरे नगर सेवकों को कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, हर काम जो है मैंने किया. अरे नगर सेवक को भी 5 साल के बाद लोगों के पास जाना है, लोगों को कहना है, लोगों को बताना है कि ये काम मैंने किया है. अगर हर काम आपने किया है तो नगर सेवकों को खड़ा रहने का जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर आप ही नगर सेवक का भी चुनाव लड़ो, आप ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़ो, सब चुनाव आप ही लड़ो. रोज लोगों के सुख में दुख में जाते रहते, काम करते रहते. आप आज इन नगर सेवकों ने प्रचार अगर नहीं किया होता विधानसभा में तो आप छोड़कर यहाँ पर नहीं आते. आज इतने बड़े पैमाने पर लोग नाराज हो रहे हैं, क्यों बात है, क्या बात है, इसके बारे में कभी सोचने वाले हैं? आज कलवा में से भी कुछ नगर सेवक जो है आने वाले समय में 806 नगर सेवक थाना में से आए हैं. आने वाले समय में अभी दूसरा टारगेट है कलवा, हरेगांव, मुंब्रा. मुंब्रा में से भी बहुत सारे नगर सेवक जो है मुझे लगता है कि आज दामन जो है छोड़ने के चक्कर में वहां पर लोग आंकड़े बता रहे हैं. मुझे मैं बताना चाहूंगा उससे कई गुना ज्यादा आंकड़े जो है यहाँ पर दिखेंगे आपको. क्योंकि आज यहाँ पर जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी खुद के लिए, आपके लिए उन्होंने काम किया, आपके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आपके लिए लोगों के दर्द गए, लेकिन उनके लिए आप कुछ भी छोड़ोगे नहीं. सब पे उसकी बहुत लगा के रखोगे कि ये काम भी मैंने किया, ये काम भी मैंने किया, ये काम भी मैंने किया. वो आपने मांग लिया, करते सालों निकल जा रहे. जो कुछ है ऐसा है,
सामने वाला आदमी कितना भी नीचे हो तो हमारी एक संस्कृति है हमें सिंधे साहब ने अलग संस्कार की है मैं इतने निजी स्तर पर जाकर या निजी स्तर पर जाकर किसी को बोलूंगा नहीं मेरा वह स्वभाव नहीं है लेकिन मैं आप सभी मुंबईवासियों को इतना कहना चाहूंगा कि आज जो हमने खेल में जीती है वहां पर राजू अंतर है दूर से खड़े दूर से देख रहे हैं मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर जो है और ज्यादा निधि जो है पुलिस मुंबरा में आने वाला है और उसका भी वो आज ही कह रहा हूं मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर नजर से आपको जो है और तीन तीन चार चार पांच पांच करोड़ रुपए के निधि जो है यहां पर आप इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा जिसको जिसको चाहिए जो जो मेरे पास आया जो जो मेरे पास आया इस मुंबरा से उन सभी को निधि देने का काम जो है मैंने यहाँ पर किया है आने वाले समय में और ज्यादा निधि जो है इस मुंबरा के नजर से लोगों को आने वाले समय में एक हफ्ते दस दिन में मिलने वाला है ये सभी निधि मिलेगा मुझे यकीन है 100% यकीन है जब हम हाँ उसका भूमि पूजन करेंगे तभी ऐसा ही हुआ जो है वो आकर लगाने वाले क्योंकि आदत से मजबूर है आदत जा नहीं सकती तो ये मुंबरा में सब मुंबरा कलवा खड़ेगांव इन सभी क्षेत्रों में कई कई सालों में जो है इस खाने महानगर पालिका के माध्यम से काम हुआ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से काम यहाँ पर हुआ आज थाने महानगर पालिका के ऊपर शासन किसका है शिवसेना का बराबर अगर हम सोच से अगर हमारे यहाँ पर नगर सेवक नहीं है यहाँ पर हम निधि देना नहीं चाहिए यहाँ पर सभी दूसरी पार्टी के नगर सेवक है ऐसे होता है पार्टी शहरों में होता है लेकिन हमने कभी ये भेदभाव किया नहीं हमने हमेशा जो है इस कलवा मुंबरा को निधि देने का काम जो किया है इसलिए आज कलवा मुंबरा में इतने बड़े पैमाने पर सिविल कॉन्क्रीट के रोड हो पानी की व्यवस्था हो ये सब जो काम है ये यहाँ पर हमने कई सालों में करने का काम यहाँ पर किया आज यहाँ पर उसका भूमि पूजन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में उसकी मुझे लगता है कि कई गुना ज्यादा हिंदी जो है इस मुंबरा में आने वाले समय में मिलेगा तो मैं फिर से एक बार महाजन जी की और उनके सभी नगर सेवकों के साथ में जो है सभी मुंबरा के नगर सेवकों को धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपके कारण जो है आज मुंबरा में बड़े पैमाने पर यहाँ पर निधि आया है और मुंबरा के नगर सेवकों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज तक आपने पार्टी छोड़ी नहीं है लेकिन सामने वालों को डर लगने लग गया है कि पार्टी छोड़ने वाले इसलिए पहले ही जो है नगर सेवकों को गाली देना चालू कर दिया है नगर सेवकों को गड्ढा खोदना चालू कर दिया है मैं बाकी भी नगर सेवकों को ये ध्यान में लाना चाहूंगा कहना चाहूंगा कि आज आपने जिस प्रतिनिधि के लिए काम किया जिस लोक प्रतिनिधि के लिए काम किया आज यदि आप अलग भूमिका ले रहे हैं लोगों के लिए आप भूमिका ले रहे हैं तो आपको गाली देने के लिए शुरुआत कर दी है तो आज और भी जो जो नगर सेवक है बराबर ना सुनो और भी नगर सेवक है वो तो भी जरा सोच ले कि काम होने के बाद कैसे व्यवहार जो है ये हमारे साथ किया जाता है ये सभी को जो है हमने हमेशा जो है नगर सेवकों के पीछे पदाधिकारियों के पीछे और हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने का काम यहाँ पर किया है ना तो दिल को मिली है ना दीदी देखो मंडल जी आज इस मुद्रा में बड़े पैमाने पर आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आने वाले समय में जो जो मुंबरा को लगेगा वो मुंबरा को उतनी निधि देने का काम जरूर जो है हम यहाँ पर करते रहेंगे फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद